नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड लगवा रहे बिजली उपभोक्ताओं को अब समय रहते रिचार्ज कराना होगा। अगर समय पर प्रीपेड रिचार्ज नहीं कराया और डिसकनेक्शन हो गया तो कनेक्शन चालू करने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ पैसे शुल्क के तौर पर देने पड़ेंगे। शुल्क कितना लगेगा यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली बिजली दर की याचिका में यह प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर में खपत के अनुसार पैसे की कटौती भी हर रोज होगी। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी। प्रीपेड मीटर की राशि शून्य होने पर दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि शून्य होने के 24 घंटे के भीतर अगर उपभोक्ताओं ने प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो बिजली की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही तीसरे नोटिस में उपभोक्ताओं को डिसकनेक्शन की जानकारी भी दे दी जाएगी। वहीं डिसकनेक्शन के बाद हर चौथे दिन उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज कराने का अनुरोध किया जाएगा। बिजली कंपनी ने इन तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी आयोग को दी है। जानकारी देते हुए कंपनी ने आयोग से कहा है कि अगर अधिक दिनों तक डिसकनेक्शन हो जाए और उसके बाद कोई फिर से बिजली की सेवा लेना चाहता है तो इसके लिए कुछ शुल्क लिया जाए। आयोग कुछ राशि इसके लिए तय करे। राशि क्या हो और कितने दिनों तक डिसकनेक्शन रहने के बाद वह ली जाए यह तय करने के लिए आयोग को ही कहा गया है। कंपनी का कहना है कि राशि लगने के बाद यह साफ हो जाएगा कि बिजली उपभोक्ताओं को फिर से बिजली खपत करने की अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि मौजूदा मीटर में अगर बिजली बिल भुगतान नहीं होने के कारण डिसकनेक्शन होता है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। इंजीनियरों के अनुसार डिसकनेक्शन होने पर उपभोक्ताओं की ओर से 118 रुपये का रसीद कटवाया जाता है और बिल भुगतान के बाद ही उनका कनेक्शन दोबारा से जोड़ा जाता है। हालांकि अब यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह स्मार्ट प्रीपेड में डिसकनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से कितनी राशि वसूलने का अधिकार बिजली कंपनी को देते हैं। बताते चले कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। बिजली कंपनी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। राजधानी पटना सहित अन्य कई शहरों में इसके लिए प्रयास जारी है। कई जगह नया बिजली मीटर काम करना भी शुरू कर चुका है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वो पास की बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकता है। वहीं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए घर जाने वाले एजेंसी के कर्मियों को कोई शुल्क भी नहीं देना है। यह पूरी तरह से निःशुल्क लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद गलत और अधिक बिजली बिल आने की शिकायत दूर होगी। इसके साथ ही बिजली चोरी करने की गुनाह और पकड़े जाने पर मिलने वाली सजा से भी अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर कई मायनों में लाभकारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक पूरे बिहार में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।